यहाँ विष्णु महाजग का कार्यक्रम हो रहा है। लोग जाने की सबसे पहले यज्ञ है क्या? हाँ जी जी जी, 9 दिन होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। और आज हम पहुंच चुके हैं रूपी बघई और पंचदेवरी रोड गोपालगंज में। तो चलिए यहां के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। यहां पे कलश यात्रा का आज निकल रहा है और यहां पे आप लोगों को 9 दिन का मेला देखने को मिलेगा। जो आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े झूले आए हुए हैं, तो उसका इंजॉय कर सके। बाबा है तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तो बाबा जी हैं, तो बाबा जी पता करते हैं और इसके बारे में पता करते हैं। कितने दिन तक यह यज्ञ रहेगा, कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं, कौन से झूला आया? महायज्ञ बहुत विशाल महायज्ञ हो रहा है और ये 2023 का पहला महायज्ञ है, तो आप लोग कोशिश करें यहाँ एक बार आने के लिए। तो कैसे हैं बाबा? नमस्कार। जय यज्ञ तो जो है यहाँ जी 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 9 दिन होगा। एक बार और यज्ञ हुआ था और यज्ञ जो है विश्व कल्याण हित होता है। अन्न से विश्व की सृष्टि है, अन्न जो है यज्ञ से वृष्टि होती है। अच्छा बाबा, मैं कहना चाहता हूँ कि महायज्ञ क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। यही विश्व कल्याण, विश्व का कल्याण हो, मतलब कि लोगों के सुख शांति के लिए किया जाता है। हाँ, सब जो है लोगों का सुख शांति हो, देश विदेश विश्व का कल्याण हो, इसी निमित्त यज्ञ होता है। यज्ञ हो रहा है और जो है सो धूमधाम से हो रहा है, और अयोध्या से भी संत लोग आ रहे हैं, मथुरा से भी आ रहे हैं। तो कैसे हैं बाबा? सीताराम सीताराम। यज्ञ हो रहा है और यज्ञ जो है महान पुण्य का काम है और लोगों को जो है सहानुभूति मिलता है, इसे शांति मिलता है, धर्म होता है। धर्म के लिए कहते हैं, धर्म ही निश्चल चीज़ है, अमर चीज़ है। कहते हैं शास्त्र में कि चलंग चीतंग बलंग बीतंग चले जीवित जीवनी, चला चले ही संसार धर्म ही को नहीं चला। चित चलता है, बीत चलता है, जीव चलता है, जवानी व्यवस्था चलता है, संसार में जो पैदा है सब चले बाढ़ है, लेकिन अमर चीज़ धर्म ही है। एक मनुष्य के शरीर में जो है अमर क्या है? ईश्वर, जो स्वर चल रहा है वो अमर है। और दूसरा अपने कर्म से किया जाता है, जो यज्ञ किया जाएगा, तप किया जाएगा, सब कुछ करने से अमर चीज मिलता है। बहुत बढ़िया जानकारी मिला आप लोगों को। हमारे चैनल पर काफी कलश यात्रा का वीडियो आप लोग देखे होंगे बाबा। आज भगवती नगर धाम में भव्य यात्रा, कलश यात्रा, शोभा यात्रा सभी समिति की द्वारा आज जो 26 जनवरी से पुनः 3 फरवरी तक के जो अयोध्या धाम से लीला मंडली का कार्यक्रम मंचन किया जाएगा। शाम 7 बजे से 11 बजे तक, दिन में कल 2 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम, भोजपुरी सम्राट वीरेंद्र तिवारी जी का आगमन हो रहा है। अपने बाड़ी को विराम। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। बहुत बढ़िया जानकारी मिला आप लोगों को। और चलिए कलश यात्रा की तैयारियां दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे कुछ हमारे साथ युवा साथी जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं इस कलश यात्रा के बारे में। तो कैसे हैं भैया? हम सब बढ़िया। देखने वाले सभी को धन्यवाद। और विष्णु महायज्ञ में हम सभी से विनती कर रहे हैं, वो सब आए और यज्ञ का आकर शोभा बढ़ाए। हमारे समस्त क्षेत्रवासी के सहयोग से ये यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ है। आप सब से हमें निवेदन है, सब लोग यहाँ आए और आकर इस यज्ञ में पुण्य का भागी बने और सहयोग करें। यहाँ पे 2 कन्याओं का विवाह भी किया जा रहा है। और आप लोगों से भी हम कहेंगे, जितने भी न्यूज़ वाले हमारे भाई हैं, सब आए यहाँ पे और न्यूज़ को कवर करें और क्षेत्र में दिखाने का कार्य करें। और सभी सभी हमारे जितने भी देखने वाले भी भाई बंधु हैं, सभी से निवेदन है कि आए यहाँ पे और आ करके सहयोग भी करें और अपने क्षेत्र के यह हमारे सनातनी जो धर्म है, जो रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज के जो उपस्थिति में हो रही है, उसको आप लोग बढ़ावा दें और उसमें सहयोग करें।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत भव्य तरीके से पंडाल बन चुका है, काफ़ी बड़ा पंडाल बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्याएं, महिलाएं, जो भी युवा साथी हैं वो आ चुके हैं कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कम बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाखों के तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं कलश यात्रा में। तो चलिए यहाँ पे पंडाल देखिए कितना अच्छा से, कितना मस्त सजा दिया गया है इस पंडाल को। तो दोस्तों यहाँ के मुखिया साहब हैं, तो साहब से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और इस कलश यात्रा के बारे में बताइए और अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। हमारा परिचय तो स्वामीनाथ कुशवाहा, वर्तमान में हमारे लड़का मुखिया है, पहले से दो बार हम मुखिया रह चुके हैं। जल यात्रा के विषय में पूछ रहे हैं, तो जल यात्रा आज का शुभ दिन 26 जनवरी है और उसी दिन पर चयन किया गया है कि माने आज का जल यात्रा, और आज से माने भगवान करे कि इस यात्रा को सफल करें और हम लोगों का भी मान सम्मान बच रहे, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी मान सम्मान बच रहे। और यहाँ सब देख सकते हैं आप लोग कमेटी के लोग हैं और इस कलश यात्रा में शामिल होकर इस कलश यात्रा को सफल बनाने में सभी लोग जुटे हुए। कैसे हैं भैया जी? अच्छे हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस कलश यात्रा के बारे में बताइए कुछ। देखिए यह सनातन परम्परा है कि यज्ञ दान पुण्य और समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज में एकता बनाए रखने के लिए, समाज में अच्छे काज के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ में हम सब लोगों को, अपने से सभी लोगों को एकत्रित करते हैं, समाज के हर वर्ग को। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पद धारक नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, सब लोग एक झंडे, भगवा झंडे के नीचे आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सब लोग हम सनातन के मानने वाले हैं और यहाँ पर सबको आज ना कोई इसमें ऊंच नीच है, ना कोई बड़ा छोटा है, ना कोई अमीर गरीब है, सब लोग भगवान के लिए। यहाँ विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बहुत महात्मा दूर दूर से महात्मा आ रहे हैं, रामलीला रसलीला होगा और प्रवचनकर्ता आ रहे हैं यहाँ विभिन्न, और यहाँ अखंड भंडारा चलेगा, गरीब गुरबा को दान भी दिया जाएगा। इसमें पूरे समाज के, हमारे गाँव क्षेत्र के सभी लोगों का अपार समर्थन है, तन मन धन से सभी लोग, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय जनता है, सभी लोग लगे हुए हैं। अब हम लोग इसको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, इसमें हम सब लोगों का बहुत हेल्प मदद मिल रहा है, चाहे जो भी हो, कोई व्यक्ति हो, हम लोगों को हर समर्थन मिल रहा है। और हम इससे 4 साल पहले भी किए थे, यहाँ पर जब किए थे और इसके बाद फिर कर रहे हैं, और आगे हम धर्म के लिए, समाज के लिए, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, एक अच्छा संदेश देने के लिए हम यह काम करते रहेंगे। अच्छा, सुना हुआ यहाँ कन्याओं का शादी भी कराया जाएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी हमारे कमेटी में हम लोगों को 2 लड़कियों की शादी करने के लिए प्रस्ताव था, लेकिन 1 लड़की का शादी नहीं तय हो पाया है। कह रहे हैं कि जग से अच्छा है कि निर्धन कन्याओं का शादी करें। निर्धन कन्या उसको नहीं कहेंगे, वो हमारी बेटी है, इसकी यह शब्द हमारे लिए मतलब निर्धन नहीं, यह गलत बात होगा। जो भी लड़की मिलेगी हम सामूहिक रूप से माने हम योजना बनाएंगे, समाज के लोगों को मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। और भगवती नगर एक तरह से पूछिए कि खालगाम पंचायत की राजधानी बन चुकी है, यहाँ लोगों को बहुत जुड़ाव है। यहाँ देख रहा है कि कार्यक्रम में आज 26 जनवरी है, सरस्वती पूजा के बाद भी कितने लोग एकत्रित हैं हर्षोल्लास के साथ, जो भी हैं एकदम खुश तन मन धन से लगे हुए हैं इसको सफल बनाने के लिए। आज गणतंत्र दिवस है, इतना लोग नहीं आ पाए होंगे, मगर आने के बाद यहाँ देखे तो बहुत काफ़ी लोग आए हुए थे। मैं गोरखपुर चंचल बाबा व्यास चुरहरिया वाले बाबा 108 लछवार वाले गलत माता बोलता हूँ, और यह जग में मैं बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगा, यह जग एक नंबर है, माता कृपानुकंपा से कथा और कार्यक्रम सब चल रहा है। और यह जग कलश यात्रा क्यों निकाला जाता है, क्योंकि रोग व्याध को दूर करते हुए और एक कोरोना जो महामारी रोग चल रहा है, इस रोग से निजात पाने के लिए। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता जी, सभी कल्याण। तो चलिए काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल चुका है, तो चलिए जहाँ पे कलश यात्रा का पूजा हो रहा है उस चीज़ को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आचार्य जी के पास पहुँच चुके हैं और चलिए इनसे बात करते हैं जग के यात्रा के बारे में। और काफ़ी लोग आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं इस कलश यात्रा में। तो कैसे हैं बाबा? हम लोग जाने कि सबसे पहले यज्ञ है क्या? जी, तो यज्ञो नारायण नारायण यज्ञ, यज्ञ ही नारायण है और नारायण ही यज्ञ है। नारायण शब्द का मतलब ये है कि नरों में अयन के तरह मानवीय जीवन जीने के जो सलीका सिखावें, जो तरीका सिखावें, वह नारायण है। क्योंकि नारायण का अर्थ ही है कि नर अयन, अयन का मतलब होता है कि दर्पण,
तो क्या दर्पण नर के रूप में भगवान ने क्या वह दर्पण की तरह झलकाया, क्या दिखाया, क्या बताया? तो ये बताया कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के तरह आचरण करो न कि रावण के तरह, शास्त्रों में इस तरह के विदित है। और आज तो बहुत यज्ञ नारायण की कृपा है, यहाँ के क्षेत्रवासियों की सहृदयता है कि यज्ञ नारायण महाविष्णु का यज्ञ करा रहे हैं लोग। 5500 लड़कियों के द्वारा जल यात्रा हो रहा है, तो इस जल यात्रा में होता क्या है कि सबसे पहले मंगलाचरण आदि के बाद हम लोग प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित के मतलब समझे क्या है कि प्रायश्चित के मतलब है कि हमने खान पान, किसी की निंदा स्तुति, 6 प्रकार के जो शरीर के अंदर विकार है, इन सारे विकारों को दूर करने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित से शुद्ध होकर के हम सबसे पहले वह छौर कर्मादि कराते हैं, 10 दातुन इत्यादि करते हैं उसकी प्रार्थना करके, और क्रम से 10 विध स्नान होता है। भगवान शालिग्राम जी के जो विष्णु महायज्ञ है उसके अधिकारी नारायण है, तो नारायण के 16 उपचार मंत्र से पूजन होता है, और पूजनानंतर जो है प्रायश्चित हवन इत्यादि होता है। उसके बाद हम लोग जल की यात्रा के लिए नगर भ्रमण करते हुए जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ जलमात्री, स्थलमात्री और जीव मातृकाओं को पूजन हृदय से करते हैं। उसी में क्षेत्रपाल और 10 दिक्पाल योनि आदि की पूजन होती है। अधः मने रास्ते के मार्ग में क्षेत्रपाल आदि का पूजन होता है, और आकर के पंचांग पूजन करते हैं गणपति आदि सहित। उसके बाद हम लोग मंडप में प्रवेश करके वास्तु का पूजन करते हैं। अब किया क्यों जाता है, ये चर्चा का विषय है कि यज्ञ कराने से क्या लाभ है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, नहीं कराएं तो हानि क्या है, संसार को नहीं रहना है तो संसार की रक्षा के लिए, मानव जीवन के रक्षा के लिए, चराचर प्राणियों के रक्षा के लिए हमें यज्ञ करना ही चाहिए, यज्ञ के बिना रक्षा नहीं हो सकता। तो दोस्तों 5100 कलश यात्रा यहाँ से निकलेगा, और कलश यात्रा काफ़ी दूर से घूमकर और कलश जल भर के और पंडाल में ले जाकर रख दिया जाएगा। यहाँ कलश यात्रा में देखेंगे तो यहाँ पे ऊँट भी शामिल हुए हुए हैं, यहाँ पे हाथी भी शामिल हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कन्याएं भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो चलिए मेला दिखा देते हैं कि मेला में क्या क्या आया हुआ है। और मेले में देखिए बड़ा वाला झूला, ब्रेक डांस और ट्रेन वाला झूला, और बच्चों का अन्य झूला बहुत सारे आया है, नाए भी झूला आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए घोड़े, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो बैठते हैं उनके लिए है यहाँ पे छोटा वाला झूला आया हुआ है। और इस कलश यात्रा में घोड़े भी शामिल होने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी घोड़े आए हुए हैं। तो दोस्तों कलश यात्रा वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से जल भरना है, यहीं से कन्याएँ जल भरेंगी और इस जल को ले जाकर पंडाल में रखा जाएगा, आसपास के गांवों में घुमाकर और ले जाकर पंडाल में रख दिया जाएगा। और 9 दिन तक परिक्रमा होता है, जिसे भी करना है वहां पे चले आएँ। और देखिए कितना भीड़ लग गया है पुल पे, और चलिए आसपास के सीन आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहां पे मेला लग चुका है, कन्याएं कलश लेके जल भरने गई थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहीं पे अभी किनारे कलश रख देंगे। देखिए सभी के हाथों में कलश है, और ये लोग जल भर के लेके आई हैं और यहीं पे रखेंगे। 9 दिन इनका कलश रखा जाएगा, और यहाँ अभी परिक्रमा कर रही हैं, और यहाँ से आज से मेला जो है स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग आके मेला कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा पंडाल बना है, और बहुत बढ़िया पंडाल बना हुआ है, और सभी लड़कियाँ जो है कलश ले कर आई हैं, इनके हाथ में कलश देख भी रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग से बता दें कि आज से मेला स्टार्ट हो चुका है, और इस मेले में आएँ आप लोग, पूजा पाठ करें, परिक्रमा करें, और मेला में बहुत अच्छे अच्छे झूला भी आया है, आप लोग आएँ झूला झूलें। और ये जो जगह देख रहे हैं ना, इसी में कलश रखा जाएगा, देख रहे होंगे आप लोग कि एक लाइन से कुछ कन्याएं कलश रख भी रही हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।